नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे जिनका एप्लीकेशन फिलअप हो गया है। और मुझे ये भी पता है कि जिनका एप्लीकेशन नहीं फिलअप हुआ है वो बहुत नाराज़ भी होंगे। और नाराज़गी होनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना ही हेल्प किया जितना हो सकता था। मैं चाहता था, ये मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि मेरे यहाँ पर पूरा, आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में लगभग से लगभग 150 कमेंट आए। ओके, आपका रिस्पॉन्स के लिए मैं आपका आभारी हूँ, मगर सिचुएशन ऐसा है कि मैं 150 लोगों का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता एक साथ। मैंने आज सुबह जितना हो सका पहले मैंने कमेंट से लिया कि यार दोस्तों कोई बात नहीं, कौन यूट्यूबर अपना नंबर इसमें शेयर करता है, आप खुद बताइए यार दोस्त। आज आज का जो ये दुनिया है ना, यहाँ पर कोई अपना मतलब के अलावा कोई सोचता भी नहीं है। ओके, आप बता सकते हो हाँ यार कि ये बंदा यूट्यूब के लिए कुछ कर रहा है, ठीक, यूट्यूब में क्लास बेचना चाहता है या फिर कुछ बेचना चाहता है, मगर मेरा इंटेंशन वैसा है नहीं। ओके, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई बंदा यहाँ पर इस दुनिया में हेल्प करने के लिए नहीं है। मैंने वो फेस किया है, मैं ग्राउंड रियलिटी में उसको फेस किया है, मैंने फेस किया है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी, आप ही की तरह नेवी का, मैं ही एस्पिरेंट हूँ आप ही की तरह आर्मी के लिए, ठीक। तो मुझे वो रिजेक्शंस मिली हैं, ठीक, उस टाइम में जब मेरा एज था, तब मैं उस टाइम में उतना सक्षम नहीं था कि ये सब जानूँ अच्छे से। और आप लोग आज जानते हो, और जानते हुए भी अगर आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप करते हो तो ये आपके लिए सच में बहुत बहुत ही दुखदायक होगा कि हाँ यार 2 साल बाद एप्लीकेशन आया एसएसआर का और हम लोगों ने फिलअप ही नहीं कर पाए। अब जिन्होंने फिलअप किया है वो बहुत ज्ञान देंगे, ठीक, मतलब इन द सेंस पहले पहले जिन्होंने फिलअप किया है, ऐसा कमेंट भी आया है कि यार आई एम फेक और समथिंग लाइक दैट। यार दोस्त एक बात बताओ कि अगर मैं फिर फेक होता तो फिर मैं इनकी हेल्प क्यों करता, आप बताओ। बस ये चीज़ बस हेल्प करना था, क्योंकि मैंने भी वो रिजेक्शन देखा है, मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आपका हेल्प हो जाए और 2 साल के बाद ये एप्लीकेशन आए, और अगर आप एप्लीकेशन नहीं भर पाओ तो मैं जानता हूँ वो दुख। तो इसी के वजह से मैंने कंटिन्यूअसली वीडियो बनाया, सब बंदे ने एप्लीकेशन फॉर्म भरना सिखाया, मगर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जब निकला था मैं कभी भी नहीं आपसे बोला कि ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बस जस्ट मैंने आपसे कहा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन मुझे नहीं पता चलता जब तक वो जो सब्सक्राइबर है वो मेरे को कमेंट नहीं करता कि प्लीज़ एक बार अपडेट करिए क्लास 12 का। मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि मैंने बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की नेवी के इसमें ऑफिस में, मैंने DPR में भी फ़ोन किया था तो उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आया, किसी ने हेल्प भी नहीं किया। तो अब थैंक्स टू दैट सब्सक्राइबर कि उसने बताया एटलीस्ट, और उसके लिए आज इतने बंदे फॉर्म फिलअप कर सके। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मैं सुबह, आज सुबह 6 बजे से बैठा हुआ हूँ फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, मेरे से जितना हो सका मैंने वो किया। और अब बात रही कि आप लोग अब जो एग्ज़ाम के लिए फोकस किए हो, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम है आपके सामने ही, जैसे कुछ दिन बाद ही आपका नेवी MR भी आ जाएगा, सो प्लीज़ फोकस करिए उसमें, उसके उस वो वाला एग्ज़ाम करना पहले दिन ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक। इतना दिन तक मत झुला के रखिए, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिनका एप्लीकेशन ऑलरेडी फिलअप हो चुका है अब वो सब तैयारी कर सकते हैं, और जिनका एप्लीकेशन फिलअप नहीं हुआ है प्लीज़ मेरी तरफ से सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर मैंने कोशिश की कि आपके तक वो वीडियो पहुंचे, बट कोई कारण की वजह से वो वीडियो नहीं पहुंच पाया आप तक। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा जिन जिन जिनका मैंने हेल्प नहीं नहीं किया। ओके, सो अब सिचुएशन है कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, अब जो पेड कोर्स में पढ़ते हैं दे आर वेल इनफ, बट अब जैसे एज एन सीनियर, सीनियर के हिसाब से मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपका राइट कंटेंट मिले। बहुत सारे यूट्यूब है, ओके, बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो कि पढ़ाते हैं, ओके, मैं नहीं जानता कि वो सिचुएशंस क्या हैं, ओके, बट मेरा इंटेंशन है बस आपको वो आखिरी तो आखिरी जो अंतिम पग है उतना तक पहुंचाना। दोस्तों मैंने भी वो फेस किया है जो रिजेक्शंस, रिजेक्शंस
14 बार मैंने फेस किया, 14 बार, एक बार या फिर दो बार नहीं, 14 टाइम्स मैंने रिजेक्शन पे ये किया ऑफिसर एंट्री के लिए। ओके सो मैं भी समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, मैं भी समझ सकता हूँ आपका प्रॉब्लम्स। ओके सो प्लीज़ आपकी सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं आपके साथ वो आखिरी तक हूँ हर एक एग्ज़ाम का। ठीक, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझे एक आपके भैया के हिसाब से, भैया के तौर से मान सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच इसको फैलाइए कि हाँ यार दोस्त, कि यहाँ पर क्लासेस ऑन होंगी, मुझे नहीं पता है कि मैथ क्या है, मगर सिचुएशन है कि हम यहाँ पर जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इन द सेंस हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको पूरा कवर कर लेंगे, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक, उसको हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं आपको शेड्यूल पब्लिश कर दूंगा। अगर मेरे साथ डायरेक्टली आपको जुड़ना है तो मेरा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर, आप उसमें डायरेक्टली जा सकते हो और डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसमें भी हम लोग क्लास करेंगे, फ्री क्लासेस, अगर किसी को पेड क्लास लेना है दैट ऑन हिम। ओके सो प्लीज़ आप अपने बंदों के साथ, मतलब इन द सेंस अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और जिनका फॉर्म मैं नहीं फिलअप कर पाया सो सॉरी टू देम। ठीक, अब इतने सारे वीडियोस के अंदर मे बी वो वीडियो छुप गया होगा कहीं पर कि आपको वो वीडियो नहीं दिखा, क्योंकि मैंने वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया पूरा चीज़, जितना हो सकता था उतना मैंने अपनी तरफ से हेल्प किया, अगर कहीं भी मेरे से गलती हुआ हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब इतने लार्ज स्केल में मैं 150 बंदे का एप्लीकेशन नहीं फिलअप कर सकता, मैं सुबह 6:30 बजे से बैठा हुआ हूँ एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए सबका। ठीक, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कल से इसी चैनल में हमारा जो क्लासेस है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की, फिजिक्स की, रीजनिंग की, इसको चालू करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, आप बोल सकते हैं मुझे कि अपने फ़ायदे के लिए है, मगर देखिए मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा, मेरे ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मेरे एप्लीकेशन चल रहा है, नुकसान आपका ही होने वाला है घूम फिर के। अगर कहीं से भी आपको ज्ञान मिल रहा है, राइट ज्ञान मिल रहा है, तो फिर आपको लपेट लेना चाहिए, तो मेरा मानना यही है, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था इसीलिए हमने कभी SSR नहीं दिया, मगर जितने बंदे मेरे पास आए ऑफलाइन क्लासेस में, आपको मैं दिखा दूंगा वो स्टैटिस्टिक्स, दो बंदे आए थे, ठीक, दोनों बंदे का सिलेक्शन हुआ, वो मेडिकल में कोई इशू था तो उसकी वजह से नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है, मगर सिलेक्शन हुआ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि आपका भी सिलेक्शन होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। ओके सो प्लीज़ अगेन सॉरी टू देम कि जिन्होंने एप्लीकेशन मेरी वजह से या फिर कोई भी दिक्कत आने की वजह से वो लोग नहीं फिलअप कर पाए, या फिर मैं उनका एप्लीकेशन नहीं फिलअप कर पाया, सो सॉरी टू देम, और जिन्होंने एप्लीकेशन फिलअप कर लिया, सो अब प्रिपरेशन के लिए ऑन हो जाइए, अपना ट्यून मोड चालू कर दीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके बस इतना ही मुझे कहना था, अगर मेरे साथ डायरेक्टली आपको जुड़ना है तो फिर इस चैनल में आ सकते हो, इसमें एक्चुअली में अभी तक बंगाली कंटेंट है, मगर ऑन डिमांड मैं SSR का भी क्लासेस, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो है उसका भी क्लास इसमें ऑन करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट ज़रूरी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा, कोई इसमें ये नहीं है। ओके मैं बैच में भी, इन द सेंस ऐप में भी फ्री में पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बस जैसे ही आपने सपोर्ट किया इस वीडियो में, तो वैसे ही आप बस अपना सिलेक्शन ले लीजिए, बस दैट्स ऑल, मेरा काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा जब आपका अंतिम पग तक आपका पैर पहुंचेगा। ओके सो थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सपोर्ट करिए चैनल को, चैनल अगर अच्छा लगे तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके सो चलिए, वेल एनफ, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर, जय हिंद।